हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है अनीता। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वाइल और ड्यूरिंग में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों का मीनिंग के दौरान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखें कि आप किस कंडीशन में वाइल का यूज करेंगे और किस कंडीशन में आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसे बताऊँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई डाउट्स है तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वाइल के जगह पर ड्यूरिंग लिखा जा सकता है या ड्यूरिंग के जगह पर वाइल का यूज कर सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी एक दूसरे के जगह पर यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। आइए एक एक करके उस फर्क को समझते हैं। व्हाइल इज फॉलोड बाय अ क्लॉज, व्हाइल हमेशा एक क्लॉज के साथ आता है, जबकि ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय अ नाउन, जबकि ड्यूरिंग हमेशा एक नाउन के साथ आता है। जैसे यहां मैंने दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें। I was eating while watching TV. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है while। क्यों? क्योंकि while के बाद एक क्लॉज आया हुआ है। जबकि आप इसे देखें, I was drinking soda during the game। अब यहाँ पर during का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया हुआ है जो है game। तो हम के दौरान के लिए during का यूज तब करते हैं जब during के बाद हमें कोई नाउन लिखना हो, और के दौरान के लिए हम वाइल का यूज तब करते हैं जब वाइल के बाद हमें कोई एक क्लॉज लिखना हो। फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, आई वॉज ड्रिंकिंग सोडा वाइल, ड्यूरिंग की जगह पर अगर आप वाइल लिखते हैं वाइल द गेम, तो आपके सेंटेंसेस पूरी तरीके से रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वहां वाइल के बाद एक नाउन आएगा और वाइल एक नाउन को फॉलो नहीं करता। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप लिखें आई वॉज ईटिंग ड्यूरिंग वॉचिंग टीवी, तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ड्यूरिंग लिखेंगे तो ड्यूरिंग एक नाउन के साथ आता है और यह एक क्लॉज है, यह एक नाउन नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वाइल एक कंजंक्शन है जबकि ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, वाइल एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जबकि ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है जो अपने सेंटेंसेस में एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच रिलेशन दिखाता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको वाइल और ड्यूरिंग का कंसेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप बेहिचक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hi guys, this is Tawqeer Alam here. Today we are going to learn about in front of, ahead of, opposite, before, since, far, till then, by then. Since, appear, as of now, up till now. At, in, on, so, such, also, between, at, in, on. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके तरफ से पूछे सवालों का जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि in front of और ahead of, अपोजिट और बिफोर, इन चारों का मतलब होता है सामने। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन में हमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है, कब हमें अहेड ऑफ का यूज करना है, कब हमें अपोजिट और बिफोर का यूज करना है? मेरे एक सब्सक्राइबर पूछे कि सिंस ऑफ आ का क्या यूज है, हमें कब सिंस ऑफ आ का यूज करना चाहिए? उसी तरीके से फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टिल देन और बाय देन दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंट है? क्या हम दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं या नहीं? मेरे कई सब्सक्राइबर पूछे कि सिम और एपिया में क्या डिफरेंट है, यानी दिखाई देना, प्रतीत होना या दिखना, कभी सिम का यूज होता है और कभी एपिया का। तो कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन में हमको सिम लिखना है और किस कंडीशन में हमको एपिया का यूज करना है, आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले सीखें इन फ्रंट ऑफ, अहेड ऑफ, अपोजिट और बिफोर का क्या यूज है।
इन सभी का हिंदी अर्थ के आगे या के सामने होता है, जैसे मैं आपके सामने हूँ या मेरे घर के सामने एक पेड़ है। मैं आपके सामने हूँ, मैंने इस वाक्य के लिए चार सेंटेंसेस लिखा हुआ है, और के सामने के लिए अपोजिट, बिफोर, अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, चारों का यूज किया जाता है। लेकिन जब आप कहेंगे आई एम अपोजिट यू तो बातों से पता चलेगा आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं या आप दोनों का चेहरा आमने सामने है। सेम कंडीशन बिफोर के साथ भी है, आई एम बिफोर यू यानी मैं आपके सामने हूं, मैं आपको देख पा रहा हूं और आप भी मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं आई एम अहेड ऑफ यू तो इसका मतलब होता है कि मैं आपके सामने तो हूं लेकिन आपका चेहरा मेरी तरफ नहीं है, यानी हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर बात इन फ्रंट ऑफ की करें, जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये दोनों केस में यूज होता है, यानी यह कॉमन है, आप चाहे फेस टू फेस हो या नहीं, दोनों कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। आइए अब सेंस ऑफ वाक के बारे में जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, समय सूचक शब्द के पहले यानी वो वर्ड जिसे टाइम का पता चलता है उनके पहले सेंस ऑफ वाक लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीकी है जो आपको समझना पड़ेगा कि कब हमें सेंस लिखना चाहिए और कब हमें फा का यूज करना चाहिए। बहुत आसान कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा केयर करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सेंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी निश्चित टाइम के लिए करते हैं या सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, जबकि फा का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी जब टाइम से अवधि का पता चले, एक ड्यूरेशन का पता चले, तो हम सेंस के जगह पर फा का यूज करते हैं। शायद आपको बात समझ में नहीं आया, डोंट वरी, चलिए इसे ट्रिक से समझें। फ्रेंड्स, अगर बात साल की हो रही हो यानी वर्ष की हो रही हो और वर्ष का नाम बताया जाए, जैसा कि आप जानते हैं वर्ष के नाम होते हैं, अभी जो वर्ष चल रहा यह है 2018, तो अगर बात वर्ष की हो और उसका नाम बताया जाए, जैसे मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं, आप 1980 से काम कर रहे हैं, मेरा स्कूल 2008 से चल रहा है, तो फ्रेंड्स जब आप बात साल की करें या वर्ष की करें और आप उस साल का नाम बता रहे हैं कि कौन सा साल था, तो इस कंडीशन में आप सिंस का यूज करेंगे, जैसे 2015 से सिंस 2015, 2010 से सिंस 2010, 1947 से सिंस 1947। लेकिन फ्रेंड्स, आप बात साल की कर रहे हैं और आप कोई नाम नहीं बता रहे हैं कि वो कौन सा साल था, जैसे मैं कई वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, मेरा स्कूल वर्षों से चलता रहा है, आप कुछ वर्षों से यहां रहते रहे हैं, तो मैंने यहां पर वर्ष बोला लेकिन नाम न बताया कि कौन सा वर्ष था, 2015 था या 2010 या 2001, तो इस कंडीशन में आप फा का यूज करेंगे, जैसे मैं कई वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स, तुम वर्षों से खेलते रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर ईयर्स, मैं कुछ वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सम ईयर्स। तो फ्रेंड्स, यहां आपने सीखा कि अगर बात वर्ष की होगी और उसका नाम बताया जाएगा तो हम सिंस का यूज करेंगे और नाम नहीं बताया जाएगा तो हम फा का यूज करेंगे। आइए बात महीना की करें, जैसा कि आप जानते हैं महीने का भी नाम होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो फ्रेंड्स अगर बात आप महीना की कर रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं कि कौन सा महीना था, तो आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बात महीने की कर रहे हैं और आप ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा महीना, तो आप फा का यूज करेंगे।
कैसे, चलिए एग्जांपल देखें। मैं मार्च से पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ मैंने एक महीना बोला और मैंने महीने का नाम भी लिया कि वो कौन सा महीना था। हम सिंस का यूज करेंगे। I have been teaching since March. लेकिन अगर मैं बात महीने की करूं और महीने का नाम ना बताऊं, तो सिंस के जगह पर फा का यूज होगा। जैसे मैं 2 महीने से काम करता रहा हूं। यहां मैंने बोला महीना, लेकिन नहीं बताया कि वो कौन सा महीना था, जनवरी या फरवरी। तो मैं कहूंगा I have been working for 2 months. फा का यूज करेंगे। आप कुछ महीनों से कोशिश करते रहे हैं। You have been trying for some months. मैं 4 महीने से यह सीख रहा हूँ। I have been learning this for 4 months. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ 3 एग्जाम्पल देखा और मैंने तीनों एग्जाम्पल में महीने की बात किया, लेकिन कहीं भी ये न बताया कि वो कौन सा महीना था, इसलिए हमने फा का यूज किया। छोटा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब बात महीने की हो और महीने का नाम बताया जाए कि कौन सा महीना था, तो आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जब बात महीने की हो और नाम न बताया जाए कि कौन सा महीना था, तो आप फॉर का यूज करेंगे। आइए अब टिल देन और बाय देन के बारे में जानते हैं। टिल देन और बाय देन दोनों का हिंदी अर्थ होता है तब तक या उस समय तक, और ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी आप इन दोनों का यूज एक दूसरे के जगह पर कर सकते हैं। मैं उस समय तक वहां आ जाऊंगा। मैं को अंग्रेजी में कहेंगे आए। अब हम पीछे चलेंगे, एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे, जैसा कि यह ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गा के लिए हम लिखेंगे शैल। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। आना को कहते हैं कम, वहां को कहते हैं देयर। उस समय तक के लिए हम यूज करेंगे टिल देन या बाय देन। आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक दूसरे के जगह यूज हो सकते हैं। वह तब तक अंग्रेजी सीख जाएगा। वह के लिए हम लिखेंगे ही। आइए पीछे चलते हैं। गा के लिए लिखेगा विल। सीख जाना यानी लर्न। अंग्रेजी को कहते हैं इंग्लिश। तब तक टिल देन या बाय देन। ही विल लर्न इंग्लिश टिल देन या बाय देन। आइए फ्रेंड्स, सिम और अपीयर के बारे में देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। ये बात थोड़ा बारीकी है, आपको ज्यादा केयर करना होगा। फ्रेंड्स, अपीयर और सिम दोनों का हिंदी अर्थ दिखाई पड़ना या प्रतीत होना होता है। तो बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कब सीम का यूज करना है और कब एपिया का यूज करना है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, सीम और एपिया में क्या फर्क है, इसको बता पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनमें ना के बराबर फर्क है, और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के जगह पर यूज किए जाते हैं। जहां आप सिम का यूज करते हैं वहां एपिया का यूज होता है, और जहां आप एपिया का यूज कर सकते हैं वहां सिम का भी यूज हो सकता है। फिर भी फ्रेंड्स, इनमें ना के बराबर एक फर्क है जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि एपिया का यूज रिटन और कॉन्वर्सेशन में सिम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, यानी सिम की तुलना में अपीयर का ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन इंग्लिश हो। दूसरा, अपीयर का यूज बहुत हद तक विजिबल केस में होता है, यानी जो आपको दिखाई दे। लेकिन आप ऐसा नहीं समझ सकते कि नॉन विजिबल केस में अपीयर का यूज नहीं होता। विजिबल और नॉन विजिबल दोनों केस में अपीयर का यूज होता है। आइए अब सिम के बारे में जानते हैं। आमतौर पर सिम का यूज विजिबल केस में नहीं होता, आमतौर पर सिम का यूज नॉन विजिबल केस में होता है, यानी जो विजिबल ना हो, जो दिखाई ना दे। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि सिम का यूज दोनों केस में होता है,
विजिबल और नॉन विजिबल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे कि सिम और अपीयर इंटरचेंजेबल है, आप उन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं और दोनों का सेंस एक ही होता है। आइए अब एज ऑफ नाउ और अप टिल नाउ के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ और अप टिल नाउ दोनों में एक बारीकी है जो आपको केयरफुली सुनना होगा। आइए सबसे पहले अप टिल नाउ के बारे में जानते हैं। अप टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक या अब तक। जैसे अगर आपको कहना हो मैंने अब तक शराब नहीं पिया है या मैंने अभी तक शराब नहीं पिया है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आप यूज करेंगे अप टिल नाउ। जैसे आप कहेंगे आई हैवंट ड्रंक अप टिल नाउ, आप अप टिल नाउ के जगह पर टिल नाउ का भी यूज कर सकते हैं। यानी टिल नाउ और अप टिल नाउ दोनों का यूज एक ही होता है और ये दोनों एक दूसरे के जगह पर यूज किए जा सकते हैं। आपने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है, यू हैवंट लर्न्ड इंग्लिश टिल नाउ या अप टिल नाउ। तो फ्रेंड्स आपने यह सीखा कि अप टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक या अब तक। आइए अब सीखें कि एज ऑफ नाउ का मतलब क्या होता है। एज ऑफ नाउ अप टिल नाउ का ठीक अपोजिट होता है या उल्टा होता है। यानी अप टिल नाउ का मतलब होता है अब तक या अभी तक, लेकिन एज ऑफ नाउ का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम नाउ, यानी अब से आगे या आज से आगे। जैसे अगर आपको कहना हो अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, यानी आज के बाद से अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो आप कहेंगे आई शैल नॉट बीव एज ऑफ नाउ। फ्रेंड्स बीव का मतलब होता है किसी भी तरह का मदिरा पीना या नशीली पदार्थ लेना। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि एज ऑफ नाउ और अप टिल नाउ का कैसे यूज करना है। अगर आपको कहना हो मैं अब से आपका वीडियो देखूंगा तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। आइए फ्रेंड्स अब एट, इन और ऑन का यूज टाइम के सेंस में देखें। बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा केयर करिए आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं मैंने एट, इन और ऑन का यूज लिखा है। एट का यूज प्रिसाइज टाइम के लिए किया जाता है, यानी सटीक टाइम के लिए किया जाता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है एट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज ऑफ टाइम। आप यहां एग्जांपल देखिए एट 3 o'clock 3 बजे, यानी यहां ठीक वक्त बताया जा रहा है या सटीक वक्त बताया जा रहा है। एट 10 a.m. यहां 10 a.m. से एक ठीक समय बताया गया, यानी एक सटीक वक्त बतलाया गया। एट नून दोपहर में या दोपहर को। एट डिनर टाइम मतलब रात के खाने के वक्त, बिल्कुल सटीक टाइम बताया जा रहा कि रात के खाने के वक्त। तो फ्रेंड्स समय के सेंस में एट का यूज प्रिसाइज ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी ठीक वक्त बतलाने के लिए किया जाता है, एग्जैक्ट समय बताने के लिए किया जाता है। आइए अब इनके बारे में देखते हैं कि टाइम के सेंस में इनका कब यूज किया जाता है। इनका यूज महीना, साल, शताब्दी और एक लंबे वक्त के लिए किया जाता है। इन में मई के महीने में, इन समा गर्मी के मौसम में या गर्मी के दिनों में, इन 1947 1947 में, इन द पास्ट यानी गुजरे हुए समय में, इन द फ्यूचर आने वाले वक्त में। तो समय के सेंस में इनका यूज
महीना, साल, शताब्दी या लॉन्ग पीरियड्स बतलाने के लिए किया जाता है। आइए अब वक्त के सेंस में ऑन का यूज देखते हैं। ऑन का यूज डेज और डेट्स के साथ किया जाता है। दिन और दिनांक या दिन और तारीख के साथ किया जाता है, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25th जनवरी 2017। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि टाइम के सेंस में एट, इन और ऑन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में मैं आपसे कहूंगा मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इनका यूज किया जाता है, लेकिन नाइट के पहले एट का यूज किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अब एट, इन और ऑन का यूज प्लेस यानी जगह के सेंस में देखें कि जगह के सेंस में एट, इन और ऑन का क्या यूज है। आइए फ्रेंड्स देखें कि स्पेस के सेंस में यानी जगह के सेंस में एट, इन और ऑन का क्या यूज है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम एट का यूज देखेंगे। एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट। एट का यूज पॉइंट दिखलाने के लिए किया जाता है, यानी जब हम जगह की बात करें और जब हम किसी पॉइंट को बतलाएं तो हमें एट का यूज करना चाहिए, जैसे एट द कॉर्नर, कोने में या कोने पे, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे, एट द डोर, दरवाजे पे, एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के सबसे ऊपर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कॉर्नर या बस स्टॉप या डोर या फिर पेज के ऊपर हिस्सा, इन सभी बातों से एक पॉइंट की बात की गई, इसीलिए इनके पहले एट का यूज हुआ। क्योंकि एट का यूज जगह के सेंस में तब करते हैं जब बात पॉइंट की हो। आइए देखें कि इनका यूज जगह के सेंस में कब किया जाता है। इन इज यूज्ड फॉर अ इनक्लोज्ड स्पेस, यानी इनका यूज एक बंद जगह के लिए किया जाता है। इन द गार्डन, बगीचे में, इन दिल्ली, दिल्ली में, इन इंडिया, भारत में, इन अ बॉक्स, किसी डब्बे में, इन माय पॉकेट, मेरे जेब में, इन योर वैलेट, आपके बटुए में, इन अ बिल्डिंग, एक मंजिल में या एक भवन में, इन अ कार, एक कार में। तो आपने देखा फ्रेंड्स, गार्डन, दिल्ली, इंडिया, बॉक्स, पॉकेट, वैलेट, इन सभी से एक बंद जगह का पता चला। तो हमने इसके पहले इन का यूज किया, क्योंकि जगह के सेंस में इन का यूज तब किया जाता है जब बात इनक्लोज्ड स्पेस की हो। आइए देखें फ्रेंड्स कि ऑन का यूज जगह के सेंस में कब किया जाता है। फ्रेंड्स ऑन का यूज जगह के सेंस में तब किया जाता है जब बात सरफेस की हो, यानी बात समतल की हो, जैसे ऑन द वॉल, दीवार पे, ऑन द सीलिंग, छत पे, ऑन द फ्लोर, फर्श पे, ऑन द कारपेट, कारपेट पे, ऑन द मेनू, सूची पे, ऑन अ पेज, पन्ने पर या किसी पेज पे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वॉल, सीलिंग, कारपेट, इन सभी चीजों से सरफेस का पता चला, यानी समतल का पता चला, और इसलिए इसके पहले ऑन का यूज हुआ। अगर मुझे कहना हो जमीन पे तो मैं कहूंगा ऑन द अर्थ। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि जगह के सेंस में आपको एट, इन और ऑन का यूज अच्छा से समझ में आया होगा। अब सो और सच में क्या अंतर है? दोनों का हिंदी अर्थ होता है ऐसा, लेकिन दोनों का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देखें ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। आइए फ्रेंड्स देखें कि सो और सच का
क्या यूज है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कई बार पूछे। सच एंड सो आर सिमिलर इन मीनिंग बट डिफरेंट इन कंस्ट्रक्शन। सच और सो दोनों का हिंदी एक ही होता है, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर है। क्या है आप खुद देख लीजिए। सो का यूज हम तब करते हैं जब हमको सो के बाद कोई एडजेक्टिव बोलना होता है। एडजेक्टिव यानी वो वर्ड जिससे किसी नाउन की खूबी पता चले। और हम सच का यूज तब करते हैं जब उसके बाद कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखना हो या सच के बाद तुरंत एक नाउन लिखना हो। जैसे खीर इतना लजीज था कि मैं दो बार खाया। Dessert was so delicious. ये लजीज एक adjective है, इसलिए यहाँ so का यूज हुआ। So delicious that I ate twice. लेकिन जरा यहाँ गौर कीजिए, वह एक इतना खराब आदमी है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ। He is such a bad man. यहाँ such का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ adjective के साथ साथ एक noun भी आया हुआ है। यानी आप इनका स्ट्रक्चर ऐसे देखें, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, जबकि सच का यूज तब करते हैं जब सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट। यानी जब इतना के साथ नाउन आता है तो हम सच के साथ लिखते हैं, और जब नाउन नहीं रहता तो हम सो का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा आई एम सो हंग्री दैट। यहां सो का यूज करेंगे क्योंकि सो के बाद हमने एक एडजेक्टिव बोला हंग्री। आई एम सो हंग्री दैट आई कांट वेट। मैं इतना गरीब हूं कि मैं यह दवा नहीं खरीद सकता। आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट बाय दिस मेडिसिन। यहां मैंने सो का यूज किया क्योंकि इतना के बाद एक एडजेक्टिव आया था गरीब। लेकिन इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मैं यह दवा नहीं खरीद सकता, यानी मैं गरीब के बाद एक नाउन बोला आदमी, तो मैं कहूंगा आई एम सच अ पुअर मैन दैट आई कैन नॉट बाय दिस मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सच अ पुअर मैन, यहां इतना के लिए सच का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि सच के बाद कोई एडजेक्टिव आया लेकिन उसके बाद एक नाउन आया जो था मैन। आइए फ्रेंड्स, अब ऑल्सो और बिटवीन के बारे में जानते हैं। ऑल्सो का मतलब होता है भी, और ऑल्सो का यूज मेन वर्ब के पहले किया जाता है, और आमतौर पर ऑल्सो का यूज लेक्सिकल वर्ब के पहले किया जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑल्सो का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और लिंकिंग वर्ब के बाद किया जाता है। मैं भी खुश हूं, आई एम ऑल्सो हैप्पी। यहां एम लिंकिंग वर्ब है। हो सकता है आप सोचें ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे जरूर देखिएगा अगर आप कंफ्यूज हैं तो। आइए अब बिटवीन के बारे में जानते हैं। बिटवीन का हिंदी अर्थ के बीच में होता है, और बिटवीन का यूज दो लोगों के लिए किया जाता है। जैसे मैं मोटू और पतलू के बीच में हूं, तो मैं कहूंगा आई एम बिटवीन मोटू एंड पतलू। मीनल और अनीता के बीच में विभूति है, विभूति इज बिटवीन मीनल एंड अनीता। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।